वेलकम टू एशियाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 की मैथ्स 2 टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। तो इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, पार्ट 1 वीडियो हमने देखा। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो वो हमने देखा है। वर्टिसेस डिस्टिंक्ट है तभी भी, और व्हेन वन वर्टेक्स इज कॉमन तभी भी, दोनों हमने किया है। तो प्रैक्टिस सेट 4.1 जो हमारा है उसके अंदर हमें जो है दोनों चार सम्स है, तो दो सम्स ऑलरेडी हमने सॉल्व किए एक एक टाइप के। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एलएमएन कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट ट्राइंगल से, तीनों जो कॉर्नर्स है वर्टाइसिस है ए बी और सी, ये तीनों एलएमएन तीनों इन दोनों के अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकेंड सम है उसके अंदर पी क्यू आर और एल टी आर है, यहाँ पे एक वर्टेक्स कॉमन है आर, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कंस्ट्रक्ट किया। ये देखिए हमने इसको डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगी। क्वेश्चन 3 इज सिमिलर टू क्वेश्चन 1 क्योंकि पूरा अलग है आर एस टी और एक्स वाई जेड, एंड 4 इज सिमिलर टू 2 ए एम टी और ए एच ई, मतलब ए ए कॉमन वर्टेक्स है, तो यहाँ पे नो कॉमन वर्टाइसिस या एक कॉमन वर्टेक्स है, तो दोनों का कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। तो फर्स्ट सम जब हमने देखा था तो हमें तीनों साइड्स दी हुई थी एक ट्राइंगल की और रेशियो दिया हुआ था, सिंस सिमिलर ट्राइंगल्स है इसीलिए रेशियो सबका सेम होगा, तो हमने तीनों ट्राइंगल्स तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के भी ढूंढ लिए, है ना। ए बी बी सी सी ए दिया है तो एल एम एल एन और एम एन भी हमने ढूंढ लिया, हमारे दोनों ट्राइंगल्स हमने सिंपली कंस्ट्रक्ट कर दिए। सेकेंड में जब कॉमन वर्टेक्स है तो मेथड थोड़ा अलग है, यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस नहीं किए, पर रेशियो 3:4 है, वहां पे भी रेशियो दिया हुआ था, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी और रेशियो दिया है, पर एक कॉमन वर्टेक्स है तो उसके अंदर हमने पूरा कंस्ट्रक्शन उसका डिटेल है। तो कंस्ट्रक्शन पहले एक ट्राइंगल बनाया हमने और फिर ये एक्सटेंड करके उसको इक्वल पार्ट्स में, 3:4 है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 पार्ट्स में यहाँ पे ये वाला छोटा ट्राइंगल बनाया और पैरेलल लाइंस बना के हमने पूरा अपना जो है सिमिलर ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्शन किया पी क्यू आर और एल टी आर। अब हमारा थर्ड सम है विच इज सिमिलर टू द फर्स्ट सम, तो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट है, तो तीनों की दोनों की मतलब हमें सब साइड्स का मेजरमेंट चाहिए, तो आर एस पता है एस टी पता है और एंगल पता है, तो एंगल विल ऑल्सो बी सेम बिकॉज इन सिमिलर ट्राइंगल्स ऑल थ्री एंगल्स आर सेम, तो हम दो साइड्स और एंगल एक्स वाई जेड के भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया इन ट्राइंगल आर एस टी जो तीन इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इससे तो हम ट्राइंगल आर एस टी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये दो ट्राइंगल सिमिलर है आर एस टी एक्स वाई जेड इसलिए रेशियोज भी सेम हो गए, और एक रेशियो दिया है हमें आर एस अपॉन एक्स वाई और हमें एस टी भी पता है, तो आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू द रेशियो गिवन 3:5। दीज आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो उनके रेशियो इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में साइड्स इक्वल होते हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशियो ऑफ द साइड्स इक्वल होते हैं। तो अभी यहाँ से एक्स वाई और वाई जेड हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि आर एस एस टी हमें पता है, है ना। तो ये हमने कैलकुलेशन किया 4.5 अपॉन एक्स वाई 3:5, तो एक्स वाई 4.5 × 5 डिवाइड बाय 3, एक्स वाई ये साइड ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाता है 3 × 1 = 3 × 3 = 15 1.5 × 5 = 7.5 5 × 5 = 25 = 7.5। फिर वाई जेड ये भी हमने रेशियो लिया 5.7 अपॉन वाई जेड इज ऑल्सो 3:5, सो वाई जेड इज 5.7 × 5/3 3 × 1 = 3 2 बचा 27, 3 × 9 = 27 1.9 × 5 = 5 9 = 45 4 ऊपर गया 5 × 5 + 1 = 9 9.5, सो 7.5 9.5 सेंटीमीटर ये दो साइड्स हमें मिल गई। एंगल आर एस टी विल बी सेम एज एंगल एक्स वाई जेड, ये ऑर्डर में होता है आर एस टी, तो जैसे दिया है एक्स वाई जेड वैसे ही लेना है, मतलब बीच का एंगल एस तो ये बीच का एंगल वाई इज 40 डिग्री, तो हम दोनों ट्राइंगल्स अब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिंपल हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, ये देखिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप करके भी देखेंगे। तो पहले हम बनाएंगे ट्राइंगल आर एस टी, तो आप देख सकते हैं 4.5 5.7 दिया है, तो हम एस टी बेस में लेंगे 5.7 जो बड़ी साइड है, तो हमने स्केल ली और इस स्केल को हमने यहाँ से हमने मेजरमेंट लिया इट इज 5.7, सो फ्रॉम हियर वी स्टार्ट and we make exactly 5.7. Mm-hmm.
अब हमें बनाना है एंगल आर एस टी। तो पहले तो इनको हम नाम दे देंगे, ये दो पॉइंट्स हमारे हैं, पॉइंट्स एस एन टी। तो यहाँ ये है हमारी पॉइंट एस और ये यहाँ पे हमारा पॉइंट टी। एंड एस इज हाउ मच, वी हैव इट 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एंगल आर एस टी बनाना है, मतलब एंगल आर एस टी, ये पॉइंट एस से एंगल बनाना है। तो हम प्रोट्रैक्टर लेंगे, ये प्रोट्रैक्टर लिया हमने और यहाँ से एंगल पॉइंट एस से हमें एंगल बनाना है। एग्जैक्टली हम पॉइंट पे रखेंगे और हमें 40 डिग्री मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ आया हमारा ये 40 डिग्री का पॉइंट। तो अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेंगे, ये दो पॉइंट्स को, पॉइंट एस विद दिस पॉइंट। तो जो हमने स्केल लिया, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना एक्सटेंडिंग, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर इज पॉइंट आर। तो हमें पॉइंट आर यहाँ पे मिलेगा, हमें एस टी दिया है, एंगल आर एस टी दिया है। थर्ड जो हमें कंडीशन दी गई है वो है आर एस इज 4.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमें आर एस पता है 4.5 सेंटीमीटर है तो हमें उस हिसाब से आर्क लेना होगा। तो हम फिर से कंपस लेंगे और आर्क मेजरमेंट लेंगे। तो अब हमें कंपास लेके यहाँ से आर्क मेजरमेंट लेना है, आर एस 4.5। तो आर एस यहाँ पे 4.5 का आर्क बनेगा, दैट विल बी आर पॉइंट आर। एक बार पॉइंट आर मिल गया तो आर टी कनेक्ट कर दिया तो हमारा पूरा ट्राइंगल कंप्लीट। तो यहाँ पे हम 4.5 का मेजरमेंट लेंगे, ये आया हमारा एग्जैक्ट 4.5 है। अब ये 4.5 के मेजरमेंट को हम लेके जाएंगे यहाँ पे पॉइंट एस से, हमें ये आर्क बनाना है। यहाँ से हमें आग बनाना है, ये आग, ये तो हमें मिल गया, ये हमारा पॉइंट आर। तो हमें ये पॉइंट आर मिल गया तो हमें आर और टी फिर कनेक्ट करना है। तो हमारा पूरा ट्राइंगल आर एस टी बन गया। अब हम ये दो पॉइंट्स टी एंड आर को कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ट्राइंगल आर एस टी कंप्लीट हो जाता है। सो ये हमारा बन गया ट्राइंगल आर एस टी। यहाँ पे हम मेजरमेंट लिख लेंगे, ये 5.7 है, ये मेजरमेंट हमें पता नहीं, ये मेजरमेंट दिया हुआ है 4.5, हम वो लिखेंगे और ये एंगल 40 डिग्री। तो हमारा ट्राइंगल आर एस टी बन गया। अब हमें बनाना है ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड के लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किए थे, बेस हमने वाई जेड ढूंढा, एक्स वाई ढूंढा और एंगल वाई विल बी सेम 40 डिग्री। तो अब हमें पहले वाई जेड बनाना है। हम एक रफ फिगर भी बना सकते हैं, रफ फिगर बनाना भी चाहिए। तो ये वाई जेड 9.5 सेंटीमीटर और एंगल 40 डिग्री, ऐसे सिर्फ मेजरमेंट लिखना है। कैलकुलेट मतलब मेजरमेंट सही नहीं होना चाहिए, लिखो रफ फिगर और मेजरमेंट सही नहीं होना चाहिए, पर एक लिखा हुआ होना चाहिए कि ये पॉइंट्स एक्स वाई जेड है, वाई जेड 9.5। तो हमारा जो एक्चुअल फिगर होगा वहां पे हम ये मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके बनाएंगे 9.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, तो पहले हम लेंगे यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। तो यहाँ से शुरू किया हमने लाइन एंड इट गोज अप टू 9.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लाइन बन गई। अब इस लाइन के ऊपर हमें एंगल लेना है, एंगल एक्स वाई जेड, मींस ये हमारी पॉइंट्स है वाई एंड जेड और एंगल एक्स वाई जेड इज 40 डिग्री। अब हमने नाम दे दिया वाई जेड 9.5 सेंटीमीटर। अब हमें बनाना है एंगल एक्स वाई जेड। तो एंगल एक्स वाई जेड 40 डिग्री है, मतलब ये पॉइंट वाई पे हमें प्रोट्रैक्टर लेना है और यहाँ पे 40 डिग्री मेजरमेंट मार्क करना है। ये आता है हमारा मेजरमेंट 40 डिग्री यहाँ पे, ये पॉइंट। तो यहाँ पे हमें लाइन बनानी है, इनको कनेक्ट करना है। तो ये हम करेंगे, स्केल लेंगे और इसे 40 डिग्री मार्क करेंगे। ये बना हमारा एंगल 40 डिग्री पे, तो दिस इज एंगल 40 डिग्री। अब हमें मेजरमेंट लेना है एक्स वाई का, एक्स वाई ऑल्सो वी हैव फाउंड। ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है हमें। तो हम अभी आर्क बनाएंगे, ये देखिए
ये 7.5 का आग बनेगा यहाँ पे। यहाँ से हम लेंगे इसको 7.5। will come exactly here. So this is our 7.5 measurement. अब ये आर्क हम बनाएंगे यहाँ पे, पॉइंट वाई पे रख के, एग्जैक्टली ऑन पॉइंट वाई, एंड देन वी मेक एन आर्क। ये आर्क बनेगा हमारा। तो ये आर्क हमने बनाया 7.5 का। तो दिस इज आवर पॉइंट एक्स। अब हमें पॉइंट एक्स मिल गई है, तो हमें एक्स जेड कनेक्ट करना है और हमारा ये ट्राइंगल भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम कनेक्ट कर देंगे एक्स एंड जेड को, तो ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज आवर ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो हमारे दोनों ट्राइंगल बन गए और जो मेजरमेंट्स दिए वो भी हमने मार्क कर दिए। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे वर्टाइसिस कोई भी कॉमन नहीं है। आर एस टी एंड एक्स वाई जेड आर द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अब हमें फोर्थ जो क्वेश्चन करना है उसके अंदर एक वर्टेक्स कॉमन है, तो कॉमन वर्टेक्स के लिए कैसे सॉल्व करना है वो हम देख लेंगे। तो दो ही टाइप के सम्स है, फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑफ सिमिलर टाइप एंड सेकेंड एंड फोर्थ आर ऑफ सिमिलर टाइप। यहाँ पे आर कॉमन वर्टेक्स था, यहाँ पे ए कॉमन वर्टेक्स। तो इन क्वेश्चन में हमें साइड ढूंढनी नहीं है, रेशियो यूज करके साइड नहीं ढूंढनी है, पर कंस्ट्रक्शन में पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करके इसे बनाना है, तो वो हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ट्राइंगल एएमटी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एएचई। इन ट्राइंगल एएमटी, एएम 6.3 सेंटीमीटर, एंगल टीएम 50 डिग्री एंड एटी 5.6 सेंटीमीटर। तो ये तीन इंफॉर्मेशन सफिशियंट है हमारे लिए ट्राइंगल एएमटी बनाने। और फिर रेशियो भी दिया है सिमिलर ट्राइंगल्स, एंड द रेशियो इज गिवन एएम अपॉन एएच इज 7/5। तो जो ट्राइंगल हम बनाएंगे वो बड़ा ट्राइंगल होगा 7 पार्ट्स, एंड उसका 5 पार्ट से ए एच बनेगा, तो उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल आएगा। सेकेंड सम में ऐसा था कि ये रेशियो जो था 3/4, तो जो एल टी ट्राइंगल हमें बनाना था, एल टी आर, वो बड़ा ट्राइंगल था। यहाँ पे जो ए एम टी ऑलरेडी बना लेंगे, ए एच छोटा ट्राइंगल होगा। तो ये फर्क है ना, क्योंकि रेशियो ऐसा है। तो हमें ट्राइंगल ए एच ही कंस्ट्रक्ट करने को कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पे जो है कैलकुलेशन नहीं करने हैं हमें, जैसे हमने थर्ड सम में किया। फोर्थ सम में हमें पैरेलल लाइंस बना के जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो दिखाना है, क्योंकि चैप्टर कंस्ट्रक्शन का है, तो हमें यही स्टेप्स फॉलो करके ऐसे ही करना है। तो फोर्थ सम जो है हम देखेंगे कैसे करना है। ये देखिए, तो पहले तो हमें तीन जो मेजरमेंट्स दिए उससे हम ट्राइंगल ए एम टी बना लेंगे सिमिलर ट्राइंगल से, इसलिए रेशियोज इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और एक रेशियो जो हमें दिया है तो तीनों रेशियोज विल बी इक्वल। तो अभी हमें जो ट्राइंगल बनाना है वो हमें इस रेशियो को यूज करके हम बनाएंगे। वही लिखा है, ए इज द कॉमन वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ साइड ए एच इज लेस देन करस्पॉन्डिंग साइड ए एम ऑफ ट्राइंगल एज वी कैन सी फ्रॉम द रेशियो। तो साइड ए एच की लेंथ कितनी होगी, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स ऑफ साइड ए एम। तो ये कंसेप्ट हमें यूज करना है अब कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स देख लेते हैं। ये देखिए, ऐसा ट्राइंगल बनेगा ये। तो हम रफ फिगर एक बना सकते हैं, सिर्फ ट्राइंगल ए एम टी बनाना है और उसके अंदर ए एच ई बनाना है, सिर्फ एक रफ फिगर हम बना सकते हैं। ये सब जो है ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है हमने किया है, और हम अभी स्टेप बाय स्टेप भी देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन हमने कैसे किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है साइड दिए 6.3 5.6, तो पहले हम ए एम बना लेंगे 6.3। तो ये देखिए है ना, और ये याद रखना है हमारा कॉमन वर्टेक्स ए है, तो ए इस साइड पे आना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ए एम ही हमें बेस में बनाना है, ए पॉइंट यहाँ रखना है, जो भी कॉमन वर्टेक्स है वो यहाँ रखना है। तो ये देखिए, अब हम ए एम बनाएंगे, ये बीच में बनाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे कंस्ट्रक्शन हो रहा है जैसे हमने देखा। तो हियर वी गेट इट, ये है 6.3 सेंटीमीटर। तो हम इसे नाम भी दे देंगे AM 6.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट M है, और द मेजरमेंट इज 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एंगल TAM बनाना है, तो हमें प्रोट्रैक्टर लेना है और एंगल बनाना है। तो हमें एंगल 50 डिग्री बनाना है। तो दिस इज हाउ वी मेक द
एंगल, ठीक है। तो ये 50 डिग्री आएगा यहाँ पे हमारा ये मेजरमेंट, दिस इज अ पॉइंट 50 डिग्री। तो अब हमें इसे कनेक्ट करना है ये पॉइंट को ए के साथ। This is a point. So this will be connected. कोई आपने को हमें पर्टिकुलर मेजरमेंट अभी नहीं पता है, थोड़ा रुक के हमें पता चलेगा। ये हमने स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। So this is a ray. अब हमें यहाँ पे एक्चुअल आग बनाना है, दैट इज 80 का, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। तो हम 5.6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे, देखिए ये 5.6 सेंटीमीटर का हमें कंपास लेना होगा और हम ये मेजरमेंट लेंगे 5.6 सेंटीमीटर का। इट्स फ्रॉम हियर टिल 5.6 सेंटीमीटर। तो ये मेजरमेंट हमें अब यहां से रे बनाना है। ये हमारा रे आएगा यहाँ पे, तो ये हमें मिल गया पॉइंट टी, ठीक है। अब हमें पॉइंट टी तो मिल गया, तो अब हमें ये पूरा टीएएम हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। अब ट्रायंगल टीएएम बन गया, अभी हमें बनाना है टीएएच। उसके लिए हम कैसे करेंगे, पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल अब TAM, है ना। अब ये ट्राइंगल TAM से हमें जो बनाना है AHE, तो अभी हमें जो AHE बनाना है तो कैसे होगा, ये देखिए। अभी AM 7 पार्ट्स है अगर, तो AH इज 5 पार्ट्स ऑफ इट। सो AM के हमें 7 इक्वल पार्ट्स करने, तो उसे इसके लिए हमने पहले भी देखा था ये कैसे करना है। हमें 7 पार्ट्स, हमें यहाँ से पॉइंट A से एक रे बनाना है कोई भी एंगल पे, ऐसा कोई मेजरमेंट स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है, कोई भी एंगल पे हमारी मर्जी से हम एक रे बनाएंगे। तो ये हमने एक रे बना लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे इस रे को हमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो पॉइंट्स को हम नाम देंगे A1, A2, टिल AH। तो वो हम करते हैं, हम हमारा कंपास लेंगे, छोटा सा रे, कुछ मेजरमेंट कुछ नहीं लेना है हमें, कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पे हमने ये पॉइंट पे रखा ए पे, और इसे हम जो है रोटेट करेंगे यहाँ से। ये एक आग बनाया हमने, तो ये जो मेजरमेंट है यही मेजरमेंट हमें रेप्लिकेट करना है, ये पॉइंट से हमें फिर से ये मेजरमेंट लेना है। ये हमने ये पॉइंट पे रखा कंपास को और फिर से एक आग बनाया। फिर अब ये पॉइंट पे जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं रे को, वो पॉइंट पे हमने कंपास रखा और फिर से एक आग बनाया, ठीक है। फिर से कंपास को आगे लिया, यहाँ से आग बनाया, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4 फोर पार्ट्स हो गए। अब हमें 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। अब यहाँ से अगेन वन मोर रे, 1, 2, 3, 4, 5 आई थिंक एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइन को भी, है ना, लाइन को भी एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ से। अभी हमें और आर्क्स बनानी है, तो ये हमने कंपास लिया सेम मेजरमेंट, मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, सेम मेजरमेंट से और एक आर्क बनानी है हमें यहाँ से। तो ये हमारी आर्क बनेगी यहाँ पे, अब यही मेजरमेंट से और एक आर्क यहाँ पे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड द लास्ट आर्क। तो विल नेम दीज पॉइंट्स आल्सो, दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड वी मीन द लास्ट पॉइंट A7।
होती है आर्क A7, ये सात आर्क्स बन गए है ना। अब इनको हम नाम भी दे देंगे। अब हमने जो है हमारा ट्राइंगल बना लिया AMT, और ये सेवन पार्ट्स का है, जो AM इज सेवन पार्ट्स, AH इज फाइव पार्ट्स, तो सेवन पार्ट्स का है, जो A7 पॉइंट है इसे M से कनेक्ट कर लीजिए है ना। दिस पॉइंट शुड बी कनेक्टेड विद AM, तो ये हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो हम आग लंबी लंबी बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ कंस्ट्रक्शन विल रिमेन द सेम। ये देखिए अभी हमें कनेक्ट करना है पॉइंट्स M एंड H, ये दो पॉइंट्स हमें कनेक्ट करने हैं, पॉइंट M टू बी कनेक्टेड विद पॉइंट H। तो ये हमारा एक लाइन जो बन गया। अब इससे पैरेलल लाइन हमें यहां से बनाना है A5 टू AM, तो ये जो पैरेलल लाइन बनेगी, यहाँ जो पॉइंट आएगी वो AH होगा, ये पॉइंट H होगा, तो ये AH बनेगा। फिर इस लाइन, ये जो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट है T, तो ये MT से पैरेलल जो हमारी लाइन बनेगी वो होगी HE, तो यहाँ E पॉइंट मिलेगी हमें, ये पैरेलल। तो अभी पैरेलल लाइंस का कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सो इसे क्लियरली समझना है कि M A7 से हम एक पैरेलल लाइन कैसे बनेगा फ्रॉम पॉइंट A5, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें ये एंगल रेप्लीकेट करना है, A7M जो ये एंगल है वो सेम एंगल हमें A5 से भी वैसा ही एंगल लेके एक लाइन बनानी है। तो ये एंगल रेप्लीकेट कैसे हो गया, पैरेलल लाइंस बनाना मतलब ये एंगल रेप्लीकेट करना। तो फिर से हम कंपास लेंगे, पॉइंट A7 पे रखा और एक कोई भी मेजरमेंट लिया, कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है, एनी मेजरमेंट, एंड वी मेक एन आर्क, ये एंगल का आर्क बनाएंगे हम। तो कैसे करेंगे, ये आर्क बनाएंगे हम, दिस आर्क, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट है इसे चेंज नहीं करना है हमें। अब ये जो मेजरमेंट लिया वही मेजरमेंट से एक आर्क फिर से A5 से भी बनाएंगे। तो ये मेजरमेंट कोई भी मेजरमेंट लो, लेकिन वो मेजरमेंट रेप्लीकेट होना चाहिए फ्रॉम पॉइंट A5, अगेन वी मेक अ सिमिलर आर्क। यहाँ से भी हमने वैसा ही आर्क बनाना है, है ना? ये अब क्या करना है, अब ये आर्क का मेजरमेंट लेना है, मींस ये कितना है, ये एंगल कितना है। तो वो आर्क का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, यहाँ पे पॉइंट रखा है ना, पहले रोटेट कर लेते हैं, बस ये दो मेजरमेंट होगा, फिर इस आर्क का मेजरमेंट का कुछ, फिर ये मेजरमेंट जो हमने रखा है उसका कुछ नहीं। अब ये मेजरमेंट हमें चेंज करना है, इतना आर्क का मेजरमेंट लेना है ये, इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, इतना मेजरमेंट। तो ये जो हमारा मेजरमेंट है ये एंगल का मेजरमेंट है, ये सेम एंगल का मेजरमेंट हमें A5 पे रेप्लीकेट करना है, A5 पे जहाँ पे हमने ये एंगल के लिए लिया है ना। तो A5 से हमने ये आर्क बनाई थी, अब ये आर्क के ऊपर जो हमने आर्क बनाई थी उसके ऊपर ये और एक आर्क बनाना है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो ये जो है हमारा A5 से ये पॉइंट अगर हम कनेक्ट करें तो ये सेम एंगल यहाँ रेप्लीकेट होगा, तो वो हम करेंगे, ये पॉइंट A5 विल बी कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, ठीक है। ये एंगल जो था हमारा, ये देखिए ये सेम एंगल, ये आर्क के ऊपर यहाँ पे भी हम आर्क बना लेते ताकि ये भी क्लियर हो जाए। दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज आर आर्क, ये जो आर्क है ये इतना, ये एंगल भी बन रहा है। तो अभी हमें कनेक्ट करना है A5 विद दिस पॉइंट, है ना। तो ये जो लाइन बनेगी ये पैरेलल लाइन होगी, तो ये हमने यहाँ से लाइन बना दी फ्रॉम A5 टचिंग साइड AM। तो ये जो हमारी पॉइंट है ये है, तो A5 और H को कनेक्ट करके हमें ये पैरेलल लाइन मिल गई टू A7 और M। सो दिस इज 5:7 रेशियो मेंटेन जो हमें चाहिए, तो ए एच मिल गया हमें। अब यहाँ पे एम टी से पैरेलल एक लाइन बनेगी जहाँ पे हमें एच ही मिलेगा। तो ये पैरेलल लाइन जब हम बनाएंगे मतलब ये एंगल हमें यहाँ पे रेप्लीकेट करना है,
हमें फिर से सेम मेथड यूज करनी है, हमारा जो मेथड था विच इज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस। तो अब हम यहाँ पे M पॉइंट पे कंपास रखकर एक आर्क बनाएंगे। हमने इसको रोटेट किया एग्जैक्टली एट पॉइंट M और यहाँ से हमने इसको ऐसे घुमाया। तो ये आर्क हम बनाएंगे यहाँ पे, ये आर्क, और ये सेम आर्क हमें रेप्लिकेट करना है फ्रॉम पॉइंट H। सेम आर्क हमें बनाना है यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, ये आर्क का मेजरमेंट जो यहाँ पे ये मेजरमेंट है ये हमें कंपास पे लेना है। तो हम ये मेजरमेंट लेंगे एग्जैक्टली इतना मेजरमेंट, तो ये मेजरमेंट का एक आर्क हम यहाँ पे भी बनाएंगे और यही मेजरमेंट यहाँ पे भी बनाएंगे। अब इस आर्क के ऊपर रख के हमें ये मेजरमेंट बनाना है, राइट? वो जो पॉइंट मिलेगी हमें दैट विल बी अ पॉइंट जहां से हमें अब पैरेलल लाइन बनानी है। ये देखिए ये जैसी लाइन है हमें हमारी, ये जैसी लाइन है हमारी ऐसे ही एक पैरेलल लाइन बनेगी हमारी यहां से। This will be passing through H and this point of intersection which we have formed. ये line हम बनाएंगे passing through H and this point of intersection and meeting the line side AT at a point this is E. तो ये हमें point E भी मिल गया, है ना? तो ये दो lines हमारी parallel lines हैं, ये देखिए. These two are parallel lines. So H and this is the point E. यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे E. तो ये हमारे जो है ट्राइंगल ए एच ई बन गया। तो हमको एक्चुअली बोला गया था कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए एच ई, तो हमें ट्राइंगल ए एच ई की कोई मेजरमेंट नहीं पता थी, हमने टी एम बना के ए एच ई बनाया। सो दिस इज अ ट्राइंगल। तो आप वही रेशियोज कैलकुलेट करके आप मेजरमेंट देख भी सकते हैं, जैसा 6.3 अगर ए एम है तो 6.3 का 7/5 इज 6.3 अपॉन ए एच। तो ए एच की वैल्यू कितनी आएगी हम वो मेजरमेंट भी देख सकते हैं कैलकुलेट करके। तो दैट विल बी 6.3 इंटू 5 डिवाइड बाय 7 और वो आता है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज 4.5। और अगर हम ये मेजर करके देखें तो हम ये चेक भी कर सकते हैं, रीचेक भी कर सकते हैं कि ये एक्चुअल मेजरमेंट सही से आए हैं कि नहीं हमारे कंस्ट्रक्शन में। तो ये देखिए This should be 4.5. ये देखिए, ये आ गया हमारा 4.5 AH। वैसे ही हम AE, EH भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं और मेजरमेंट देख सकते हैं। तो दिस इज अ फिगर। तो ये पूरा ऐसे कंस्ट्रक्शन होगा तो आपको मार्क्स मिलने वाले। एग्जैक्टली ऐसा कंस्ट्रक्शन हमें चाहिए। पैरेलल लाइंस का कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए। सो दैट इज इट, दिस कम्प्लीट आर प्रैक्टिस सेट 4.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 देखेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।